कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित डिजिटल इंडिया को देश के हर कोने तक ले जाने के अपने राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत आज नागपुर में आयोजित एक व्यापारी सम्मेलन में व्हाट्सएप से व्यापार में वृद्धि कैसे की जा सकती है, इस विषय में व्यापारियों को विस्तार से जानकारी दी। दरअसल बदलते समय को देखते हुए अब व्यापारियों को अपने व्यापार में डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना भी जरूरी हो गया है, जिसके मद्देनजर नागपुर के सभी प्रमुख व्यापारी संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में युवा एवं महिला उद्यमियों ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस वक्त बोलते हुए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश भर में छोटे व्यवसाय को सशक्त बनाने के प्रयास में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट और वैश्विक कंपनी मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप द्वारा अपनी पार्टनरशिप के जरिए देश में 1 करोड़ स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित और कुशल बनाया जाएगा। इस साझेदारी का लक्ष्य सभी 29 भारतीय राज्यों में 11 भारतीय भाषाओं में हाइपर स्थानीय डिजिटल प्रशिक्षण के साथ व्यवसायों के लिए विकास के अवसरों को उजागर करने के लिए डिजिटलीकरण प्रयासों को अंतिम व्यापारी तक पहुँचाना है। इस मौके पर गोपाल अग्रवाल, किशोर धाराशिवकर, निखिलेश ठक्कर, मधुसूदन त्रिवेदी, प्रभाकर देशमुख, राजकुमार गुप्ता, ज्ञानेश्वर रक्षक, अनिल अहिरकर, अर्जुन दास आहूजा, राम अवतार टोटला, स्वप्निल अहिरकर, मयूर पंचमटिया, गोल्टी तुली, अनिल नागपाल, निकुंज दायमा, ज्योति अवस्थी, जया शेख, फारूक अग्बानी, रूपानंदी, जयश्री गुप्ता, गोविंद पटेल, संजीवनी चौधरी, सचिव विनोद गुप्ता आदि उपस्थित थे। आज जो है कैट द्वारा व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई है, एमएसएमई के और स्टार्टअप को लेकर ये सब बैठक है, क्या इस बैठक में मतलब किस तरह की चर्चा होने वाली है, क्या बताओ? देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट आती है कि मेरा बैंक मेरी जेब में। भविष्य में ये जो बाजार पेट है, ये समय आ जाएगा कि मेरा बाजार पेट मेरी जेब में, व्यापारी बोलेगा मेरा ग्राहक मेरी जेब में। पूरा व्यापार जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंडियंस भी आ गए, और सारा व्यापार जो आज का युवा शक्ति है ये नए तरीके से करना चाहता है। जो हमारे स्टार्टअप्स है, एमएसएमईज है, ये मैन्युफैक्चर कर लेंगे मगर बाजार पेट में आके बड़े बड़े शोरूम नहीं खोल सकते। उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? उन लोगों के लिए यही ऑप्शन है कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो नई दुकानें खुलेगी, ये ऑनलाइन का एक कदम आगे बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्व का है। ये जो ऑनलाइन जो दुकानें खुल रही है महत्व का है, तो ये किस तरह उपयोगी है या आने वाले पीढ़ी को नुकसानदायक होगा, ये इस पर भी आपकी चर्चा हो रही है? देखिए, नुकसानदायक वाली बात नहीं है, अगर कोई चीज स्थायी है तो वो बदलाव है, और टेक्नोलॉजी ही आगे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी से अब व्यापार होगा, तो जो आदमी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। हमें ये, हम नहीं बदलेंगे तो कोई आपके लिए रुकेगा नहीं कि अरे ये नया आएगा तो हमारा क्या होगा। नहीं, नया आएगा, नया अपनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि व्यापार नए तरीके से होने वाला है। हम देखते हैं कि कई बड़े शोरूम हैं जो नामचीन हैं, तो उनके लिए क्या पर्याय, मतलब किस तरह का सुझाव आप देना चाहोगे? उन लोगों को भी डिजिटल आना ही पड़ेगा, शोरूम रखें अपनी जगह, उसकी कोई मनाही नहीं है, मगर साथ में ये बगैर पैसे का ये एक दुकान खुलती है, तो ग्राहक को आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। जो ग्राहक डिजिटल आना चाहता है, जो दूर बैठा हुआ है, कोई गाँव में बैठा हुआ है, वो वहाँ से व्यापार कर ले, और जो स्थानीय आपके शोरूम में आना चाहता है वो शोरूम में आए, दोनों चलेगा, सिर्फ डिजिटल चलेगा ऐसा नहीं है। जिस तरह से अभी तक हम ऑनलाइन जो शॉपिंग था उसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत फ्री हैंड हो गया है, उसी तरह से आने वाली पीढ़ी में ये जो दुकानें हैं ऑनलाइन वाली, आपने बोला उसी तरह का ये प्रयोग होगा? बिल्कुल, देखिए अभी आज की तारीख में ऑनलाइन वाले जिसको बोलते कैश बर्निंग का काम कर रहे, और मेरे दुकानदार ऑनलाइन आ नहीं पा रहे, ये इसका नया माध्यम हो जाएगा कि मेरा छोटा दुकानदार, एक गांव का आदमी भी शहर में माल बेच सकेगा, शहर का आदमी भी गांव में बेच सकेगा, और इसके लिए हम लोगों ने इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ के साथ अरेंजमेंट भी किया है कि एक रीजनेबल प्राइस में हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो सके।
इस पहल के लिए आपके द्वारा किस तरह का कुछ पहल की गई है? अब ये तो पहल ही ना, आज बताइए सेंटर पॉइंट होटल जैसे इतने महंगे होटल में हम व्यापारियों को बुला रहे हैं, उनको आकर्षित करने बुला रहे हैं, उनको ज्ञान देने बुला रहे हैं, तो ये यही पहल है हमारी। तो ये डिजिटल जो शॉपिंग रहेगी या डिजिटल दुकानें रहेगी उसकी एक मतलब जागरूकता कह सकते? बिल्कुल, ये देखिए अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड ट्रेडर्स के माध्यम से हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। हम हमारे व्यापारियों का स्तर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पीना उसको है। तो हम देख रहे हैं कि डिजिटल युग है और डिजिटल में के दौर में जो है अब शॉपिंग जो है हम तो सभी ऑनलाइन करते हैं, लेकिन अब दुकानें जो है सभी चीज़ों की दुकानें जो है ऑनलाइन का एक प्रयोग किया जा रहा है और कैट द्वारा उसकी जन जागृति व्यापारियों में की जा रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।